जहां एक तरफ संचार क्रांति ने चिट्ठी का काम तमाम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक कागज पर लिखी एक इबारत को मंजूरी देने पर कलेक्टर को मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, जहां पर चिट्ठी लिखकर स्वच्छता का सुझाव देने वाले छात्र आशुतोष को कटनी कलेक्टर ने नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। वैसे तो आशुतोष कटनी के सीएम राइज स्कूल का 9वीं कक्षा का छात्र है, लेकिन उसने एक पोस्ट कार्ड पर स्वच्छता की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए इसको लिखते हुए सफाई कर्मियों एवं कचरा गाड़ियों के ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की बात का चिट्ठी कलेक्टर को लिख दी, जो कि कटनी कलेक्टर को इतनी भा गई कि उन्होंने उसे बुलाकर पहले तो सम्मानित किया, उसके बाद आशुतोष मार्के को ब्रांड एम्बेसडर का नियुक्ति पत्र दे दिया। नियुक्ति पत्र में लिखा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन की जागरूकता गतिविधियों को बताएंगे, इसके लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति पत्र पाकर आशुतोष खुशी से समा नहीं रहे। वहीं जब कलेक्टर अभि प्रसाद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने का प्रमाण पत्र दे रहे, इस अवसर पर नगर निगम की महापौर प्रीति सूरी एवं सत्येंद्र धाकरे आयुक्त नगर निगम मौजूद थे। पोस्टकार्ड भेजा था और उस पोस्टकार्ड में इन्होंने जो है कुछ सुझाव दिए थे कि कैसे नगर निगम की सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सकता है। तो जो आशुतोष का उत्साह था उसको देख के मुझे इनसे मिलने का मन हुआ और फिर हमारी भेंट हुई और इनकी बातचीत सुनी तो मुझे लगा कि आशुतोष अपने विचारों से बहुत परिपक्व हैं और इनकी जो क्षमता है बातों को रखने की, बोलने की, बहुत उच्च स्तर की है, जिसका एक प्रयोग जो है वो समुदाय में स्वच्छता के प्रति जो है एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उसी के अनुक्रम में उसी दिन ये निर्णय लिया गया था कि आशुतोष को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा स्वच्छता मिशन का। इसकी एक प्रक्रिया होती है, MIC का एक प्रस्ताव होता है, तो नगर निगम ने वो प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और आज इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर औपचारिक शहर किस स्थान पर है उससे ये परिलक्षित होता है। तो मेरा कटनी के नागरिकों से यही अपील है कि वो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो जो गतिविधियां करनी है उसमें भाग लें, नगर निगम का सहयोग करें। आपने कौन सी चिट्ठी लिखी थी? देखिए, मैंने अभि प्रसाद जी को मैंने पोस्ट कार्ड, जो भारतीय डाक का 50 पैसे का पोस्ट कार्ड होता है, उसके माध्यम से शहर में स्वच्छता के लिए सुझाव दिए थे और मैंने उनसे कुछ आग्रह भी किए थे। एक्चुअली मैंने 4 दिसंबर को पोस्ट कार्ड लिखा था कि जो भी अपने शहर में कचड़ा गाड़ी चल रही हैं वो तो उनकी संख्या कम है और उसमें सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, ऐसे 2 डब्बे तो हैं परंतु कोई इसके बारे में जागरूक नहीं है कि अलग अलग डिब्बे हैं उसमें अलग अलग डालना है। एक डिब्बा रखते हैं लोग, उसमें किसी भी डिब्बे में डाल देते हैं, जो कि नहीं है सही। और मैंने ये भी देखा कि ड्राइवरों को भी इसकी जानकारी नहीं है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मेरे घर में आए थे जब कचरा गाड़ी आती थी, तब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, प्रयास किया, MSW के कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके पूछा, तो भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इसका तो यही सीधा अर्थ है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी के लिए सुझाव दिया था कि इनको जागरूक करिए, प्रशिक्षित करिए, आप इनको प्रशिक्षित करिए, और यही दिया था मैंने। तो उन्होंने अच्छे से बातचीत की, मुझे यहाँ पे बुलाया कलेक्टर कार्यालय में, उन्होंने स्वयं संपर्क करके मुझे यहाँ पे बुलाया। आज उन्होंने उसी दिन मेरे को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया था, लेकिन एक पूरी प्रोसेस होती है जैसा उन्होंने बताया। उस प्रोसेस के बाद मुझे आज ये नियुक्ति पत्र सौंपा है हमारे नगर पालिक निगम कटनी की महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी जी। आगे क्या करेंगे? आगे यही है, कटनी में जागरूक करना है सभी लोगों को। खासकर इसमें लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालयों में गतिविधियों के लिए, विद्यालयों के जो छात्र हैं उनको जागरूक करना मेरे लिए एक अहम मुद्दा होने वाला है। बाकी सभी लोगों को तो जागरूक करना ही है। मेरा नाम आशुतोष गोविंद राव मानके है। कटनी से प्रवीण कुमार पारशर की यह रिपोर्ट।